नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है सिलेबस दिखाने वाला हूं 2022 का। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न अरे कितने कितने नंबर के आएंगे। तो आज इस सभी जो पेट का सिलेबस है उसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए इसमें टोटल 100 प्रश्न होगा और जो समय इसमें है 2 घंटा का है। ठीक, इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। अब देखिए भारतीय इतिहास से जो विषय है हम लोग का भारतीय इतिहास, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें किन किन टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य, मराठा से, इन सभी से 5 प्रश्न आएगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यानी यह जो टॉपिक यहाँ पर है इन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। और भूगोल से दोस्त 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल से, जिसमें नदियाँ वदियाँ आती हैं और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जैसे वन वन हो गया ये सब आते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का 4 नंबर पर अर्थ और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर से यहाँ से भी पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर ले सकते हैं, सरकारी जल पर यह आ चुका है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से यहाँ पर 5 प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसमें से भारतीय संविधान होगा और उसमें टॉपिक कहाँ कहाँ से होंगे। देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ और दूसरा टॉपिक इसमें राज्य के नीति निर्देश, इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिएगा। इन सभी टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आते हैं 6 नंबर पर, 6 नंबर पर सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, जो जिसमें कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 नंबर पर देख सकते हैं आप है कि प्रारंभिक अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक वाले चैप्टर जो गणित है उससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, तो देखिए यहाँ पर है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणित, सरलीय, वर्गमूल और वर्ग वर्गमूल, घातीय घातांक घात से और औसत से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें होगा संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द और लिंग, सामान्य, अशुद्धियाँ, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 9 नंबर पर है अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी यानी कि हिंदी व्याकरण और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ से 2 टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्रम यो रैंकिंग हो गया, संबंध हो गया, कारण हो गया, यहाँ से भी प्रश्न 5 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से इन सभी टॉपिक्स को तैयार कीजिएगा। उसके बाद आता है 11 नंबर पर सामयिकाएँ। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर जो होता है हम लोग का, यहाँ से 10 नंबर करंट अफेयर से आने वाला है। 12 नंबर है सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, देश, राजधानी, मुद्रा और भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से प्रश्न आएंगे, यहाँ इसको आप याद कर लीजिएगा। भारत की कला और संस्कृति कौन कौन सी है, भारत और विश्व का खेल से संबंधित जितने भी, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और पुरस्कार और विजेता से। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। और 13 नंबर पर है अपठित हिंदी गद्यांश की का विवेचना और विश्लेषण, गद्यांश 2, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 14 नंबर पर है कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण यानी ग्राफ का जो चैप्टर है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। ठीक है, यानी इन सभी पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। और 15 नंबर पर है तालिका एवं व्याख्याएँ विश्लेषण तालिकाएँ, इसे आपका 10 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शर्त देखिए क्या लिखा गया है, क्रम 1 से 9 पर अंक शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्न की कठिनाइयों का स्तर डिफिकल्ट लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न पत्र व विकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। तीसरी बात है इसमें प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि यह जो है जो परीक्षा है यह माइनस मार्किंग परीक्षा है। ठीक है,
इन्होंने पहली शर्त में क्या कहा है भैया कि डिफिकल्ट लेवल का, ठीक, 1 से 9 तक के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हल्का रहेगा। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि सभी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, और तीसरे नंबर पर कि 1/4 यानी एक गलत होता है तो उसका 1/4 काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप सरकारी रिजल्ट वाले पास जाइए, सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप UP SSC पेट का जो है सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको इस चैनल पर UP SSC पेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो आपको आसानी से मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।